guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome to the brand new vlog. So, आज है रक्षाबंधन. I mean, कल भी थी, दो दिन से बन रही है रक्षाबंधन एंड आज है 31st August. कल हमने मेरे ससुराल में सेलिब्रेट किया था. कल हम वहाँ गए थे बिकॉज दो दिन की पड़ रही थी. सो वहाँ पे कल सेलिब्रेट हुआ था और आज मेरे मायके में सेलिब्रेट हो रहा है. सो वैसे देखा जाए तो ठीक भी है. कल का दिन हमने वहाँ स्पेंड कर लिया, आज मेरी मम्मा के यहाँ कर लेंगे. शीशो ना. हाँ जी, तो आज है रक्षाबंधन. सो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे और मैं फटाफट से रेडी होना स्टार्ट हो रही हूँ. सो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ. बाय द वे, मैंने ना कल हेयर कट करवाया है. मैंने मिनी व्लॉग बनाया है इसका, फुल व्लॉग नहीं बनाया. मैं जल्दी अपलोड करूंगी उसको एडिट करके. इससे तो पहले ही चला जाएगा बिकॉज लॉन्ग व्लॉग एडिट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है और जो शॉर्ट्स वाले होते हैं ना वो जल्दी एडिट हो जाते हैं. सो इसीलिए एंड कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए. आई नो, एक्चुअली ना बाल ना थोड़े से डैमेज हो रहे थे, नीचे से स्प्लिट एंड ज़्यादा आ रहे थे. सो उनको ट्रिम करवाना भी बहुत ज़रूरी था बिकॉज ग्रोथ रुक गई थी, ग्रोथ ही नहीं हो रही थी और ना बहुत गंदे से भी लग रहे थे नीचे से. बट जब मुझे भैया ने मतलब रिजल्ट दिखाया ना कि मुझे लगा, मैंने बोला भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया. उन्होंने बोला मैम ज़रूरी भी था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखे थे बाल. सो एक बार को तो मुझे रियलाइज हुआ यार बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए बिकॉज मुझे हमेशा से लंबे बाल रखने की आदत रही है. इतने शॉर्ट हेयर मैंने कभी भी नहीं रखे, बचपन से ही नहीं. हमेशा से मुझे लॉन्ग हेयर रखने की मतलब अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद भी हैं. फिर मैंने सोचा चल ठीक है यार कोई बात नहीं, घर की खेती आ ही जाएंगे थोड़े दिनों में एंड टचवुड क्योंकि मेरी ग्रोथ ही बहुत अच्छी है. तो चलो ठीक है, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया. एनीवेज, सो फटाफट से स्टार्ट होते हैं, रेडी होना स्टार्ट होते हैं एंड आई एम वेयरिंग अ साड़ी टुडे. सो मैं पहन रही हूँ ये वाली साड़ी. ये एक लहरिया की साड़ी है, बहुत ही अच्छी है, सिंपल है, ऐसी कुछ हैवी नहीं है बट बहुत ही प्यारी है. ये फर्स्ट टाइम पहनूंगी मैं आज. सो अभी मैंने रिसेंटली इसका ब्लाउज स्टिच करवाया है. सो आई एम गोना वेयर दिस टुडे. कल भी मैंने साड़ी पहनी थी, उसकी मैं फोटो अटैच कर दूंगी यहाँ पे. ग्रे कलर की साड़ी पहनी थी एंड वो भी बहुत ही प्यारी साड़ी थी. सो आई विल वेयर दिस साड़ी टुडे. सो सबसे पहले हम जाएंगे चाची के घर पे बिकॉज मम्मी पापा नानी के घर पे गए हुए हैं, वो लोग शाम तक आएंगे. सो पहले चाची के यहाँ से फ्री हो जाएंगे हम लोग बिकॉज चाची को भी अपने घर जाना है ऑफकोर्स, लाइक वो भी अपने मायके जाएंगी. चाची के यहाँ से फ्री होके मम्मी पापा आ जाएंगे और जब तक मेरे ब्रदर्स भी आ चुके होंगे क्योंकि वो दोनों भी अपने अपने काम पे गए हैं, अपने अपने जॉब पे गए हैं. उसके बाद हम फ्री होके जाएंगे बड़ी मम्मी के घर पे. सो दैट्स अ प्लान, ऐसा कुछ है. और बाकी देखते हैं, पॉसिबिलिटी है कि कुछ चेंजेस भी हो जाए बीच में, कौन कब अवेलेबल रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सो देखते हैं, मैं और वो कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है पहले, ऐसे ऐसे करके. तो अभी डिसाइड हुआ है कि सबसे पहले जाएंगे चाची के यहाँ पे बिकॉज चाची हमारा वेट कर रही है, देन उनको भी अपने घर जाना है. सो या फटाफट से रेडी होते हैं. और हाँ, इससे पहले वाला जो मैंने ब्लॉग मतलब लाइक मैंने जो लास्ट ब्लॉग डाला था ना, जो हम मूवी देखने गए थे गदर वाले, एक्चुअली वो वाला ब्लॉग ना ब्लॉक हो गया है बिकॉज ना मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ना थिएटर में लाइक कुछ फिल्म के कुछ सीन्स रिकॉर्ड कर लिए थे और मैंने ब्लॉग में ऐड कर दिए, जिसकी वजह से ना उस वीडियो पे कॉपीराइट के साथ साथ उस वीडियो को ब्लॉक भी कर दी गई है. तो आप लोगों को वो शो नहीं हो रही है बट मैंने अभी अभी उसको करा है, उसका कॉपीराइट भी हटाया, ब्लॉक भी हटाया बिकॉज वो सीन्स मुझे डिलीट करने पड़े उस ब्लॉक के अंदर से जाके. अभी मैंने किया है, अभी प्रोसेसिंग चालू है, देखते हैं होता है या नहीं होता. कॉपीराइट आ गया है एंड आई एम जस्ट होपिंग, अभी मैंने प्रोसेसिंग पे डाल दी है वो वीडियो, आई जस्ट होपिंग कि वो जो इशू है वो हट जाए, रिजॉल्व हो जाए और मेरा ब्लॉग लाइव हो जाए. सो देखते हैं अगर होता है या नहीं होता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. उसके बाद भी देखूंगी अगर नहीं हो पाया तो. बट आज अभी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा ऑफकोर्स, आज का दिन लाइक मेरे राखी का जो भैया दोस्त का दिन होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है बिकॉज हमें तीन तीन जगह जाना होता है. सो इसीलिए सो बहुत सारी बातें होगी, आप रेडी हो जाते हैं फटाफट से बिकॉज ना मेरे फ़ोन में भी ना एक्चुअली स्पेस नहीं है. प्रॉब्लम ये है मेरा फ़ोन भी फुल हो रखा है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है ब्लॉग शूट करने के लिए बिकॉज इससे पहले भी ना काफ़ी सारे मिनी ब्लॉग्स एडिट करने के लिए रखे हुए हैं. एक फुल ब्लॉग क्योंकि धैर्य ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है, वो वाला भी मैंने फुल ब्लॉग एडिट किया मतलब शूट किया हुआ है बट वो भी मैंने अभी एडिट नहीं किया हुआ है. सो आई थिंक मैं ये वाला ब्लॉग पहले लाइव करूँगी, राखी वाला, एंड उसके बाद धैर्य के फर्स्ट डे स्कूल वाला लाइव करूँगी बिकॉज अभी राखी वाला लाइक है ना टाइम है, वाइब है. तो अभी ये वाला व्लॉग डालने में अच्छा भी लगेगा, बाद में डालने का कोई सेंस नहीं बनता है. तो मैं ये वाला व्लॉग पहले लाइव करूंगी, धैर्य के स्कूल वाला इसके बाद लाइव करूंगी. ठीक है, हाँ
तो ठीक है मिलती हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ. ओके, सबसे पहले आई अप्लाई माय सनस्क्रीन. ये वाली सनस्क्रीन मैंने रिसेंटली मंगवाई एंड आई एम लविंग इट. इसकी लाइक मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज देखे थे, सो आई थॉट आई शुड ऑल्सो ट्राई इट. एंड मुझे ऑनेस्टली बोलूँ मुझे अच्छी लग रही है. थोड़ा टाइम हो गया हमने यूज़ करते करते एंड आई एम क्वाइट लविंग दिस सनस्क्रीन अ लॉट, बिकॉज इससे ना काफ़ी अच्छी ना ड्यूई सी फिनिश भी आ जाती है फेस के ऊपर. सो जैसे आप रेगुलर वेयर में आप इसको लाइक ऑफकोर्स सनस्क्रीन तो रोज ही लगाते हैं, बट ना जैसे आपको बाहर भी जाना है एंड यू डोंट वॉन्ट टू अप्लाई मेकअप, सो आप सब ये अप्लाई कर लो और ओनली लिपस्टिक लगा लो. बहुत ही अच्छा लुक आता है, बहुत ही ग्लोई ग्लो सा फेस भी लगता है. सो अच्छी लगी है वाली सनस्क्रीन मुझे काफ़ी. काफ़ी टाइम से मेरा मन था इसको मंगाने का, सो या मेकअप में भी बस हल्का फुल्का से मेकअप करेंगे. आई विल यूज ओनली कंसीलर, नॉट एट ऑल एनी फाउंडेशन. पहले मैं रेडी हो जाती फिर मैं आप लोगों से. हाँ, मेरा पेट बनिया. ओके जी, सो आई गॉट रेडी एंड मैंने बहुत ही प्यारी सी सिल्वर झुमकी पहनी है जिसमें बहुत ही प्यारे से ना ब्लू सॉरी ग्रीन और पिंक में से मल्टी कलर के जेम्स स्टोन बोलते हैं आई गेस, उस टाइप का कुछ लगा हुआ है. बहुत ही प्यारे लग रहे हैं एंड आई थिंक इस साड़ी के साथ काफ़ी सूट भी कर रहे हैं. अब मैं सोच रही हूँ कि ना मैं अपनी नोज पिन में चेंज कर लूँ. वैसे तो मैंने कल ही चेंज करी है ये वाली नोज पिन. मैं नॉर्मली ना हमेशा एक स्टोन वाली जो सिंगल स्टोन वाली नोज पिन होती है ना वो वेयर करती हूँ, बट ये कल ही मैंने चेंज करी है न्यू. बट मैं सोच रही हूँ इसके साथ ना ये वाली सिल्वर वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी. सो देखती हूँ ट्राई करके, अगर ठीक लगी तो. मैं वैसे कभी भी इतनी बड़ी पहनती नहीं हूँ बट स्टिल ना नो अच्छे नहीं लग रहे हैं. देखना एक बार. नो अच्छी नहीं लग रही. सो आई विल रिमूव इट. जो पहन रखी ना वही ठीक लग रही है, सिंपल एंड सोबर. सो हम लोग पहुंच गए हैं चाची के यहाँ. वो अब से पहले ही आ रही और पेट पूजा भी कर ली. मेरे बिना स्नैक्स भी खा लिए, पकौड़े सकौड़े खा के बैठे आया ना मेरे बिना. और ये भी खा के बैठी है. सो अब बस चाचा के और देजू के, इसके नाम देजू के फटाफट से राखी बांधते हैं. और मम्मी पापा भी आए नहीं है, उनका वेट कर रहे हैं. तो क्योंकि चाची को जाना है तो हम पहले इनको फ्री करके भेज देते हैं. मना कर देते हैं, निकलो हम लोग यहाँ पे राज करेंगे. हम कह रहे हैं तुम्हें राखी बांध के तुम्हें रवाना कर देते हैं, फिर हम आराम करेंगे तुम्हारे घर पे. तो पहले राखी बांध दो. चाची खाना भी ले आई और क्या, वेज बिरयानी, मटर पनीर है, सब्जी, मटर पनीर और पूरी रायता भी है. फेस्टिव बनी गाइस. मम्मी आ रही है गाइस एंड खाना
राखी का टाइम से ट्रैफिक भी मिलेगा, दो घंटे जाने के दो घंटे आने के मम्मी की हालत खराब हो गई, सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मम्मी की ना शक्ल के 12 बज रहे थे बहुत ज्यादा। और मेरा धीरू अभी सो रहा है, अभी मैंने धीरू से मिलवाया नहीं, आपसे मिलवाती हूँ ना, उसको ज्यादा नींद नहीं आ रही, थोड़ा थका थका सा है, तो बता दो अभी वो थोड़ा उठेगा फिर मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। सो मम्मी पापा आ गए, दोनों भाई भी आ गए मेरे, अब इनके राखी बांध के फिर हम निकलती है हमारी गाड़ी। बड़ी वाली बुआ नहीं आई, बड़ी वाली बुआ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए बड़ी बुआ नहीं आती है, तो ठीक नहीं रहती बड़ी बुआ की तबीयत। तो हाँ यहाँ से हम फ्री होके फिर अभी ये भी नगर जाएंगे। बहुत गर्मी हो रही है, बाहर वेट कर रहे हैं सब पे, बड़ी मम्मी के घर निकल रहे हैं। अब क्या टाइम हो रहा है? 8:15 हो गए, 8:30 और अभी आके हमें यहाँ पे भी करना है। यार हालत खराब हो रही है सच्चे में, अब गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी, हालत टाइड हो चुकी है बेसिकली सबकी, शक्ल तोपड़ो के 12 बज रहे सच में बहुत ज्यादा टाइडनेस हो रही है। और मेरा बाबू भी उठ गया। सोना देखियो बेटी, कैसे लग रहा है मैं बीता? हेलो बोल दो, सुना फ्लैंगिश कर दो। नॉट इंटरेस्टेड, ये हमारा आज तक है क्या? तो बाइक से आएगी ना, बहुत गर्मी लग रही है सच्ची में। तू क्यों परेशान हो रही है? बाइक से आ, तू जा। आ गए भाई, हम आ गए। चलो जी, बड़े में राम राम, पापा राम राम। भाभी राम राम। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैं धन्यवादी है। अरे वो वहाँ खान को भी बहुत जाम हो रहा है, बहुत जाम हो रहा है खान को, आधा घंटा हो गया, बहुत जाम हो रहा है, बहुत ज्यादा। बाकी बांध रही सारी, तू तो बहुत सारी बांधना, मैं बहुत सारी बांध लूंगी। ओम देखो, ओम ज्यादा अच्छा लगता है। अबे ओम नहीं है, चल कछुए ओम है। मैं ज्यादा दिमाग मत चला अपना, बैठ जा चुपचाप से। और कौन से है? मेरे को तो बेग वाली भी। हाँ ये वो लेडीज वाली है, लड़की है लेडीज वाली नहीं है। ये तो मैं बहू के लिए लाई हूँ और मेरी भाभी के लिए लाई हूँ। नहीं ये लेडीज वाली नहीं है। हाँ ये लेडीज वाली, ये लेडीज वाली नहीं है, मेरी बात को यकीन कर। मामा तू यकीन कर हमारी बात के बारे में। Thank you.
हेलो गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड अभी हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं वॉक पे. शोना को लेके निकली हूँ, शोना को थोड़ा सा वॉक करा दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसको वॉक करा दूँ एंड प्लान है थोड़ा सा रैकेट खेलेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे. वैसे तो हम लोग ना आइसक्रीम वाला देखने निकले थे बाहर, और ऑफकोर्स धैर्य को भी वॉक कराने के लिए निकले थे कि कुछ हो जाए, मिल जाए आइसक्रीम वाला, बट आइसक्रीम वाला हमें दिखाई नहीं. दो राउंड लगाया हम इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड लगा के आ गए बट नहीं दिखा. कॉक ले आई क्या? और शोना बहुत एंजॉय कर रहा है, इसने आज बहुत एंजॉय कर ली. चलो हेलो बोलियो, चलो हाय कर दो. अच्छा किसी कर दे, किसी कर दे, किसी कर दे, फ्लैंक किसी कर दो. नहीं, नो, ही सेड नो. गर्मी लग रही थी, चल अंदर ही चल ले, छोड़. मार के चालिया तेरे को.